इतनी सुनकर सब चाचा ने सबने लिए हथियार लगाए। गाजी मन सुख पर मल के रस गेंदुल पे उदय चंद्राय घोड़े पपैया पर इंदर चढ़ा रघुनंदन पे बहोरन लाल गिर घोड़े के ऊपर ढेवा टूडल मल का लाल पांचों छत्री चले बाग से रन खेतों में पहुंचे जाए झंडे गाड़ दिए खेतों में अपने मोर्चे दिए लगाए। दूर से देखा जब उदल ने अपना घोड़ा दिया बड़ा जब ललकारा मोती मल को छत्री सुन लो कान लगाए लड़े भिड़े में नहीं फायदा तुमको नफा मिलेगा ना क्यों ना समझाया राजा को ना हकदार बढ़ाई आए अब भी लौट जाओ पीछे को राजा से कहो सुनाए डोला दे दो सौ रंदे का अब तक कुछ बिगड़ा है ना है जो भी उजर करें डोले को छत्री सुन लो कान लगाए। गर्जा उदल जब ललकारा और मोती से कहा सुना चोट तुम्हारी हमने झेली अब तुम सहो हमारी बात लौट के जवाब दिया उदल ने बोला बूंदी का सरदार मेरी चोट से जो तुम बच गए तुमने नया लिया अवतार संभल के बैठो अब घोड़े पर छत्री कनबज के सरदार अब की चोटों में ना छोड़ू तुझे जान से डालू मार। एक तरफ बढ़ गया बहुरन बेटा एक तरफ बड़ा इंदल सीरा एक लाढ़ेवा पड़ा गोल में दोनों हाथ करे तलवार आस पास को मल के हो गया गजमन सुख पर है असवार मोती मल के फिर मोड़े पर उदल जाए दई ललकार बची लड़ाई चारों तरफ को अंधा धुंध चली तलवार। एक को मारे दो मर जावे तीसरा दहशत से मर जाए जान बचा कर जो कोई भागे उसको मल के छोड़े ना बहुत से छत्री पड़े खेत में अरे बहुत से छत्री पड़े खेत में जिनसे उठा न बैठा जाए बहुत से छत्री ऐसे भागे जिनका खून टपकता जाए बहुत से छत्री मरे बूंदी के जिनमें बड़े लड़े बलवान 900 जवान के अब हल्ले में बाकी रहे 300 जवान। हुकुम सुनाया गंगाधर ने मैं जवानों का ले बलाय जो जो चीज है दरवाजे की सबको जल्दी लो मंगवाए करो तैयारी दरवाजे की सब सामान करो तैयार खबर भेज दो उन जवानों पर गुजरे घड़ी घड़ी का वार। करो तैयारी दरवाजे की सब सामान धरा तैयार इतनी सुनकर आला बोला और सैयद से कहा पुकार अब तुम जाओ दरवाजे पर मैं चाचा का लेऊं बलाय चौकस रहियो परदेशों में संग में जाए दल सीरा। पला खिलाड़ी पटेबाज था जिसका नाम उदय चंद्राय आप बचा घोड़े को बचाया दुश्मन का दिया बार बचा काटते तेरा दहने हाथ को उदल हटबा में को जाए खाली बार पड़ा जो ढाका उदल ले गया जान बचा सुर्खी उड़ गई मोतीलाल की मुँह पर गई उदासी चाय बड़ा भरोसा था जो ढाको मेरी सांग न खाली जाए।
भारी सोच हुआ मोती को दिल में सोच सोच रह जाए, मेरी चोट से उदल बच गया अब कुछ रहा ठिकाना ना। उतर बछेरे से नीचे हुआ और भुजबल पर ठोकी जाए, उदल उदल को ललकारा बेटा जस राज के लाल। अपने दिल में जो तुम जानो मैंने आन घटाया मान, मेरी तेरी कुश्ती है खेतों में जिसको दे उसको भगवान। इतनी सुनकर उदल कूदा गुरु अमरा का ध्यान लगा, पहन जांघिया नरवरगढ़ का ऊपर लंगर लिया चढ़ा है। होश बिगड़ गए हैं जो धाके, दिल में बहुत गया घबराए, पिंडली पकड़ के नरूदल ने दोनों हाथ से दैया घुमाए, और ऐसा घुमाया मोती मल को जैसे मुगदर रहा घुमाए। मारा घुमा कर जब धरती में और छाती पर बैठा जाए, हाथ पांव मोती के बांधे उल्टे डंडे लिए कसवाए, हाथ हाथ कड़ी पांव में बेड़ी गली में तोक दिया डलवाए। नामी राजा हो महुवे के तुमसा कोई दूसरा ना है, ताबेदारी करूं तुम्हारी मेरी तकसीर माफ हो जाए। अरे लड़े भिड़े में नहीं फायदा दोनों तरफ कहे नुकसान, करो तैयारी तुम चलने की सब सामान धरा तैयार। हुई तैयारी रनवासों में वक्त गोने का पहुँचाया है, साथ में ले लो लाखन को और सब जन चलो बना पर राय। जिसमें आला झूठ नहीं है तुमसे कहूँ धर्म की बात। और बड़ी खुशी से ब्याह करूंगा डोला करूं तुम्हारे साथ, इतनी सुनकर आला बोला चाचा सुनो तलन सीराय। और करो तैयारी गढ़ बूंदी की और लाखन को जाओ लिबास, ये मन मान गई ताला के और हृदय में गई समाय। बोला सैयद फिर जवानों से बेटा सुनो बना पर राय, करो तैयारी तुम चलने की अब क्यों रखी देर लगाए, किसके पहरे अब तुम देखो अपने लो हथियार लगाए। इतनी सुनकर उदल सज गया और सज गया वीर मलखान, देवा सज गया फिर जल्दी से ताला ने बांधी तलवार। बेटा सज गया मंडली के का और सज गया बहोरन लाल, धनमा तेरी लाला तमोली और सज गया लखन सीराय। बड़ी खुशी राजा को हो रही भूला अंग में नहीं समाए, मन का चाहा उसका हो गया सब धोखे से लिया बुलाए। जितने अफसर थे बूंदी के सारे हुए इकट्ठे यार, एक तरफ बैठे बूंदी वाले दूसरी तरफ बना पर राय। बहुत देर जब वहां पर हो गई कहने लगा तलन सीराय, करो तैयारी अब गोने की मैं राजा का लेऊं बलाय। इतनी कहकर राजा बोला छत्री सुन लो कान लगा, धोखे न रहियो तुम गोने के अब तुम पड़े जाल में यार। जैसे बांधा मोती राम को सबकी मुश्किलू बंधवाए, जब तक बदला नहीं ले लूंगा मेरा दाग मिटेगा ना। ओगड़नाथ बोला अमरा से मैं चेले का ले बलाय, बहुत दिनों में तुम आयो हो कैसी रही उदासी खाए। तो इतनी सुनकर गुरु अपने ने फिर अमरा से किया बयान, देश बंगाले के हलके में एक है गढ़ बूंदी मैदान, जहाँ कहीं काम पड़ा जादू का सबका डाला मान घटा, मेरा मान घटा बूंदी में गंगाधर ने दिया मिटाए। और जो तुम ऐसे बांधे को दुश्मन की कबीले लो कैद कराए, जो तुम मारोगे दहने को फिर गुजरा ठिकाना ना।
तो जब मालूम हुआ राजा को जादू पड़ा कैद में जाए, जब मालूम हुआ राजा को जादू पड़ा कैद में जाए, होश बिगड़ गए गंगाधर के, मुँह का थूक बंद हो जाए। हार मान कर अपने दिल में फिर रानी से कहा पुकार, बोला राजा फिर रानी से, अब तुम सुनो पद्मनी ना, बड़ा बहादुर ये राजा है जिनसे कुछ ना पार बसा, बड़ा भरोसा था जादू का वह भी पड़ा कैद में जाए, अब नहीं छोड़ेंगे डोले को जिनकी जात बना पड़ रहा है। हाथ जोड़कर राजा बोला वो महाराज बना फल रहा है, जो कुछ होना था अरे जो कुछ होना था सो हो गया, मेरी खता माफ हो जाए, और जो तुम चाहो वो डोले को फौरन करूं तुम्हारे साथ। इस पर जवाब दिया मलखे ने, राजा सुनो हमारी बात, चाहे डोला दो सोरन का, चाहे गोना दो करवा। इतनी सुनकर राजा चल दिया और रानी से कहा सुना, करो तैयारी तुम नीचे की, अब कुछ देर लगाओ ना। ये मन मान गई रानी के और हृदय में गई समाए, जो कुछ देना था बेटी का सब सम्मान दिया मनवाए। और एक तो बेटी थी राजा की, दूसरे रूप दिया करता, तीसरी रानी चढ़ती जवानी, चौथे सोलह किए सिंगार, सजकर तोरण ऐसे हो गई जैसे उगल पड़ी तलवार। रुस्वत कर दिया जब राजा ने, फिर ताला से कहा सुनाए, अब तो भेज दे मोती को, मेरी खत्म हो जाए। ओ सोहिनी सूरत मोहिनी मूरत, रंग रूप में अधिक सिवाय, बीड़ा चावा जब सोरन ने, सुरत की गई बदन में छाय। और आए बना पर अरे आए बना पर शीश महल में, दिन के साथ लखन सीरा, जो सामान दिया राजा ने वह सब धरा वहाँ पर लाए। हुई तैयारी अब रुखसत की, डोला सजा पद्मनी ना, रानी बैठ गई डोले में जिसमें सोलह लगे कहार। रुखसत कर दिया जब राजा ने, फिर ताला से कहा सुनाए, अब तो भेज दे मोती को, मेरी तकसीर माफ हो जाए। जो कुछ गुजरा गढ़ बूंदी में सब राजा को दिया सुनाए, लाखन चला गया महलों को और माता पर पहुंचा जाए, आला उदल गई रिजगर को और संग गया तलन सीरा, जैसे गोना हुआ लाखन का मैंने तो...